एक ऐसा देश जहां सुल्तान का आदेश ही शासन है, वो देश जहां 57 सालों से सत्ता पर एक ही व्यक्ति का राज है, यहां गरीबों को मुफ्त जमीन और आलीशान घर दिया जाता है, लेकिन अपराधियों को सरेआम सजाए मौत। ये देश है ब्रुनेई। क्षेत्रफल के लिहाज से सिक्किम से भी छोटा और आबादी के हिसाब से भारत के महज एक जिले जैसा, लेकिन कहानी ऐसी जो पूरी दुनिया को हैरान करती है। ब्रुनेई बोर्नियो आइलैंड पर बसा एक छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा कि भारत के सिक्किम जैसे कई राज्य भी इससे बड़े हैं। लेकिन खास बात यह है कि ब्रुनेई दुनिया का 13वां सबसे अमीर देश है। कुछ साल पहले तक तो ये दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में शुमार हुआ करता था। ब्रुनेई की कुल आबादी लगभग 45 लाख है, जिसमें करीब आधे लोग राजधानी बंदर सेरी बेगावन में रहते हैं। ब्रुनेई की सीमा मलेशिया और साउथ चाइना सी से लगती है। ब्रुनेई की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। ब्रुनेई दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 35,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी लगभग 30 लाख रुपए। ब्रुनेई की आमदनी का मुख्य जरिया तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है, जो तमाम देशों को निर्यात करता है। खास बात यह है कि यहाँ 57 सालों से सत्ता पर एक ही व्यक्ति का राज है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान हसनल 1967 में ब्रुनेई के राजा बने थे। वहाँ के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुनेई दुनिया की कुछ बची हुई पूर्ण राजशाही में से एक है। ये एक ऐसा देश है जहाँ आज भी पूरी तरह राजशाही है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया 1967 से सत्ता में है। 1984 के बाद से वो देश के पीएम भी है। कहा जाता है कि यहाँ सुल्तान का आदेश ही शासन है, लेकिन इसके बावजूद हैप्पीनेस इंडेक्स में ब्रुनेई दुनिया के टॉप देशों में शुमार है। ब्रुनेई की राजशाही और सरकार यहाँ के गरीब लोगों को हर साल मुफ्त जमीन और मकान उपलब्ध करवाती है। इसके लिए सरकारी योजनाएं भी चलती हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। फोर्ब्स के मुताबिक सुल्तान के पास लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे महंगे पैलेस में रहते हैं, जो 20 लाख वर्ग फीट में फैला है। उनके पास 7,000 लग्जरी गाड़ियां और कई प्राइवेट जेट हैं। लेकिन इसी के साथ ब्रुनेई की कट्टरता भी इसकी एक पहचान है। ब्रुनेई एक इस्लामिक देश है। साल 2014 से ये कड़े शरिया कानून का पालन करता है। यहाँ चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध में भी हाथ पैर काट देने तक की सजा है। इतना ही नहीं, यहाँ सिगरेट और शराब गैर कानूनी है और इन्हें पीने पर 12 महीने की जेल और 16 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए छूट है, लेकिन वो भी इन नशीले पदार्थों को अपने बंद कमरे के अंदर ही ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ होमोसेक्सुअलिटी पर सबसे कठोर सजा दी जाती है, और वो है सजाए मौत, वो भी दोषी व्यक्ति को पत्थर से मार मार कर।